तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड जो कि पार्ट 2 होगा। और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन क्या क्या इसका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से करने से पहले एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो कि कंबसन था, इसको हमने पिछले वाले पार्ट में कवर कर लिया था। नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हो। कंबसन में क्या होता था कि कंप्लीटली उसको हवा में उसको बर्निंग कर देते थे। बर्निंग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म पे वो निकलता था, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो उसमें होता था कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डाल देते थे और उसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है। लेकिन ऑक्सीडेशन जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं बदलेंगे, इसमें हम लोग उसमें कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे। ठीक है, अगर उसमें पहले से ऑक्सीजन है तो उसमें और ऑक्सीजन डालने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन को डालने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग का इसमें फॉर्मूला चलता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इथेनॉल है, ETHANOL इथेनॉल है आपको, CH3CH2OH। ठीक है, इसमें अगर हम लोग अल्कलाइन ALKLINE अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट करते हैं। ठीक है, या तो ये डाल दो और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ हीट करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, K2Cr2O7 इसके साथ एसिडिफाइड होना चाहिए, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर आप इसको हीट करते हो तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ये एसिड में बदल जाएगा CH3COOH, ये इसका फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे मात्रा बढ़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको रिएक्शन को आप चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, H2O यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन हुआ और यहाँ पे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड यहाँ पे हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, दो सबस्टांस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो ऐसे सबस्टांस, ठीक है, जो किसी दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए कैपेबल होते हैं उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो मैंने रिएक्शन लिखा था, ये अल्कलाइन फॉर्म पे होना चाहिए, मतलब कि जो मीडियम होगा, जो लिक्विड मीडियम होगा उसको हम लोग अल्कलाइन कर देंगे, अल्कलाइन साल्ट यहाँ पे डाल देंगे। तो अल्कलाइन KMnO4 रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये अगर रहता है तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल को एसिड में। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल था ना, इथाइल अल्कोहल था, इसको इथेनोइक एसिड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस ये जो था स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, अल्कोहल था, उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया, हेंस दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन ऐड करने में कैपेबल होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, तो पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, दोनों का यूज नहीं करना, कोई एक कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन का। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा पहला चीज। ठीक है, एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को ऐड करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल देता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट। मतलब क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, एक जनरलाइज एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का है स्ट्रक्चर, मान लो कि इसके पीछे भी कार्बन है, नहीं है, कुछ भी रहे, ठीक है, इस तरह का ये अनसैचुरेटेड कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ये हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। कैटलिस्ट में क्या लेंगे, निकेल लेंगे या पैलेडियम लेंगे। ठीक है, इसके साथ इसको हीट करेंगे।
ठीक है, हीट करने पे क्या बनेगा, ये जो दो हाइड्रोजन के दो आइटम यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे जाके दोनों जगह अटैच हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर का मैं सेम बना देता हूँ सी, ये तो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है एडिशन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। किसी प्रॉपर कंपाउंड में मैं करके यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे ब्यूटेन का एग्जाम्पल, ब्यूटीन का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 कार्बन, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, एक एक दो तीन चार, ठीक है, फिर CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आप देखो इस कार्बन पे देखो चार वैलेंसी यहाँ पूरी, यहाँ पे भी चार वैलेंसी, ये दोनों पे चार पूरी है, ठीक है। तो ये हमारा है ब्यूटीन, BUTENE ब्यूटीन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन करेंगे, निकेल और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट लेंगे, दोनों में से कोई एक लेना, दोनों नहीं लेना, इसके साथ हीट करेंगे, हीट अच्छी खासी हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इस दोनों जगह पे एक हाइड्रोजन जाके बैठ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ब्यूटेन का, CH यहाँ पहले से था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, यहाँ पे CH3, यहाँ यहाँ जो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका स्ट्रक्चर फाइनल CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे मेरा ब्यूटेन यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीन से ब्यूटेन फॉर्म हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी थी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, जो डबल बॉन्ड था वो खत्म होकर सिंगल बॉन्ड में बदल गया और यहाँ पे एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, इसलिए इसको कहेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे जो कैटलिस्ट शब्द यूज किया था मैंने, वो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट आर द सबस्टांस दैट काउज रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है कि ये रिएक्शन में जाता है और वापस निकल के आ जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, जो कैटलिस्ट एज ए मटेरियल रहता है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या था, निकेल था, पैलेडियम था, ये रिएक्शन में रहेगा लेकिन रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा, इसके थ्रू रिएक्शन हो जाएगा और ये जैसा इनिशियल स्टेज में था वैसे ही प्रोडक्ट में फाइनल स्टेज में भी अपने जगह पे ही रह जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन को अपने फास्टर रेट से ये फॉरवर्ड करा देगा, बिना इसके रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन में जाता भी नहीं है, ये रिएक्शन में जाएगा नहीं लेकिन रिएक्शन को ये करवा देगा, तो इस तरह का जो सबस्टांस होता है उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट, है कैटलिस्ट आर द सबस्टांस दैट काउज रिएक्शन टू ऑकर, ये रिएक्शन को करवा देता है, ठीक है, और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट। ये रिएक्शन अगर कैटलिस्ट नहीं डालते हैं तो हो सकता है कि रिएक्शन हो लेकिन बहुत ही स्लो रेट में हो, ठीक है, तो रिएक्शन को रेट को भी ये बढ़ा देता है, ठीक है, और ये खुद भी रिएक्शन में जाता नहीं, मतलब निकेल हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवा देगा, हाइड्रोजन का एडिशन करवा देगा जिसके कारण हमारा ब्यूटीन से ब्यूटेन बन गया था, डबल बॉन्ड हट जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और कहने की बात है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन ये दो तीन चार की जरूरत नहीं, यहाँ पे 100 दो दो सौ अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन रहता है, अगर उसमें भी कहीं पे भी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है तो वो उसको भी सैचुरेटेड में बदल देता है, ठीक है, मतलब कि ये काम ही ये करता है निकेल और पैलेडियम कि जहां पे भी अनसैचुरेटेड रहेगा उसको सैचुरेटेड में बदल देगा, एडिशन रिएक्शन में होता है और इसमें हाइड्रोजन और हाई हीट करना पड़ता है तो ये चेंज होता है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन ए हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकेल कैटलिस्ट, ठीक है, इसी एडिशन रिएक्शन का उपयोग होता है। अब हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल है, वेजिटेबल ऑयल जैसे होते हैं, ठीक है, वैसे वेजिटेबल्स आए जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो हमें वेजिटेशन से प्राप्त होते हैं, किसी न किसी प्लांट से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, प्लांट के सीड से, उन सीड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, अगर उसको हाइड्रोजन उसमें ऐड करके और निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है तो वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल जाता है, ठीक है, तो ये चीज होता है। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा डालडा का, ठीक है, डालडा एक सैचुरेटेड फैट होता है जिसको हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से लाया जाता है, मतलब वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस किया जाता है, मतलब कि उसमें हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है, वही सेम एडिशन रिएक्शन वाला, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया था, निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज कर हाई हीट पे हीट किया, तो अनसैचुरेटेड जो भी उसमें होता है वो सैचुरेटेड बदल जाता है, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में होता है, सैचुरेटेड रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है, इसी कारण।
अब एक दो फैक्ट जान लो, वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है उसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसलिए वो हेल्दी होता है, और एनिमल फैट्स होता है, वेजिटेबल ऑयल मतलब प्लांट से बेस्ड है और एनिमल फैट्स होता है तो एनिमल बेस्ड फैट होता है वो उसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो कि वो अनहेल्दी होता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारा थर्ड यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया, उसका ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो जनरली अनसेचुरेटेड के मुकाबले थोड़ा कम रिएक्टिव होता है एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रीजन, और ज्यादातर वो इनर्ट जैसा ही बिहेव करता है। बट लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जो भी यहाँ पे अल्केन की बात हो रही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, ठीक है, अगर इसको क्लोरीन के प्रेजेंस में रखा जाए, क्लोरीन को और किसी हाइड्रोकार्बन, इसको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, इस दोनों को रखते हैं साथ में और सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, मतलब कि एक जार ले लेते हैं, ग्लास की जार होनी चाहिए, उसके अंदर हम थोड़ा सा अल्केन डाल दिए, मान के चलो आप मीथेन डाल दिए, ठीक है, और उसमें आप क्लोरीन गैस भी डाल दिए और उस जार को पैक कर दिए, ठीक है, और उसको सनलाइट में रख दिए, तो देखो आप यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन के नाम पे CH4 लिया जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आप इथेन लो, मीथेन लो, प्रोपेन लो, जो लेना ले लो, इसके साथ आप क्लोरीन को ऐड कर दो, तो आप यहाँ पे जो रिएक्शन में यूज होगा सनलाइट, लाइट सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है, सनलाइट होगा। तो ये क्या करेगा, एक एक क्लोरीन एटम इस एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन बनेगा CH3Cl, ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर हम लोग वापस यहाँ पे CH3Cl बन गया, अगर उस कंटेनर में क्लोरीन अभी भी प्रेजेंट है तो अभी क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंट में अगर हम लोग रखे हुए हैं तो CH2Cl2 बना देगा। ठीक है, अगर अभी भी क्लोरीन बचा हुआ है तो CH2Cl2 प्लस क्लोरीन को ऐड कर देंगे, फिर अगेन सनलाइट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे CHCl3 बना देगा। अभी भी अगर क्लोरीन बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो CHCl3 प्लस क्लोरीन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वापस से सनलाइट आएगा तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये तो बना देगा। ठीक है, तो एक एक करके हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव करते जाता है, तो एक एक करके जब रिमूव करके और अपना जगह लेते जा रहा है क्लोरीन के, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन को हटा के खुद जाके बैठ जा रहा है, तो इसीलिए इस पूरे रिएक्शन का नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और क्लोरीन को ऐड करोगे आप और सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये रिएक्शन होगा। आप इसको बनाने के लिए, एग्जाम्पल को बनाने के लिए, आप मीथेन मैंने लिया था, आप इथेन ले लो C2H6, इसको आप क्लोरीन के साथ ऐड करो, अब बनाओ रिएक्शन यहाँ पे क्या बनता है, इसका आंसर आप कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।